हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल TR26। मेरे चैनल TR26 में आपका स्वागत है। और आज 30-day चैलेंज का 3rd day है और मैं 455 पर छत पे आ चुकी हूँ योगा के लिए। योगा मैट मैंने बिछा लिया है। उससे पहले की जो भी चीज़ें थी, ब्रश करना और पानी पीना, ये सब हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ योगा करने। तो आप देख रहे हैं अभी पूरी रोशनी हुई नहीं है और योगा करते करते पूरी रोशनी हो जाएगी। तो अब चलते हैं और योगा करते हैं। और सच बताएं तो आज संडे है और मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो यही वो टाइम होता है जब आपको एक अपने अंदर दृढ़ता लानी होती है, एक मजबूती लानी होती है कि नहीं, मुझे करना है, आई विल डू, मैं करूँगी, यही करना होता है। तो आज ऐसा हो रहा था कि मतलब संडे की वजह से, क्योंकि मुझे जाना है नहीं स्कूल, घर पे ही रहना है, तो ये लग रहा था कि आज जब कहीं नहीं जाना है तो क्यों इतनी सुबह उठें और क्यों ये करें, रूटीन फॉलो करें। तो जबकि बुक में ऐसा है कि आप वीक के 5 days कर सकते हैं, 2 days जो है आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, 2 days तो हम लोग के पास है ही नहीं। मेरे पास मतलब सैटरडे तक तो स्कूल जाना है, फ्राइडे से और संडे को नहीं जाना है। तो एक दिन के लिए रूटीन को गड़बड़ करना ठीक नहीं है। और मैं अपने को तैयार की और मैं चली आई छत पे योगा करने के लिए। और अब जा रही योगा करने। अब देखते, अब मुझे अभी भी ये मतलब अंदर से हो रहा है कि अब मैं योगा करूँ, ये करूँ और सो जाऊँ। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि मैं सोती हूँ कि नहीं योगा करने के बाद। उठ के छत पे तो चली आई हूँ, बट इसके बाद योगा करने के बाद मैं सो जाती हूँ कि नहीं, ये चलते हैं आगे देखते हैं। तो योगा मैंने कर लिया है और इसके बाद अभी भी सच बताऊँ तो मुझे बार बार योगा के टाइम पे ये लग रहा था कि मैं आज ना करूँ और जाके सो जाऊँ। तो ऐसा इसमें होता है, मतलब जब आप कोई भी रूटीन मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं, नाइट रूटीन फॉलो करना इजी है, लेकिन मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना कठिन है थोड़ा सा। और लेकिन जो मिरेकल मॉर्निंग का रूटीन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। तो आज मैं आपको इसी के कितना फ्लेक्सिबल है, क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ में आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी। पहले मैं खुद देखूं कि मैं आज का रूटीन फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि आज संडे है। तो अभी मैंने सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 2 days किया है, मीन्स एक्सरसाइज वाला पोर्शन किया है और अभी सारे पोर्शन मेरे बाकी हैं। मतलब मैं मॉर्निंग में टाइम से उठ गई हूँ, मैंने एक्सरसाइज यानी योगा कर लिया है, बाकी चीज़ें नहीं की हैं। क्योंकि मैं आज पूरा आपको बताऊंगी कि क्यों, मतलब क्यों मैंने अभी तक पूरी चीज़ें नहीं की हैं और क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे नहाने और शावर लूँगी, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा आज का पूरा, क्योंकि आज बहुत बहुत टफ है। आज संडे है, आज बिल्कुल भी मतलब बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, माइंड अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं 5 AM रूटीन में रहूं। मतलब ज़रूरत नहीं लग रही है, ये लग रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अब सो जाना चाहिए। मतलब 1-2 घंटे सोने से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने रहूँगी। इसीलिए मैंने आपको चुना है
क्योंकि आप रहेंगे तो मुझे ये रहेगा कि मैं मतलब अपने इतने सारे ऑडियंस को और इतने सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर, उनको मैं वो मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, और वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपने Day 3 जो है मिस कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये पूरा आपके साथ रहेगा। तो चलते हैं शावर लेने। तो अब मैं मिरेकल मॉर्निंग की सभी स्टेप्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और रीडिंग पे हूँ। जर्नलिंग मैंने कर ली है, तो मैं जब टेबल पे अपने भी स्टडी टेबल पे, तभी मैंने एफर्मेशन, विजुलाइजेशन, मेडिटेशन और जर्नलिंग सभी चीज़ें कर ली थी। और रीडिंग मैंने लास्ट के लिए रखी थी कि रीडिंग मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि रीडिंग जो है फिर आज, क्योंकि संडे है तो मुझे 10 मिनट या 15 मिनट रीडिंग नहीं करनी है। रीडिंग मुझे चाहे अभी आधे घंटे तक या जब तक इच्छा होगी तब तक करती रहूँगी। तो ऐसा कोई बर्डन नहीं है या ऐसा कम कोई फाउंडेशन नहीं है कि रीडिंग मुझे तुरंत कंप्लीट करके स्कूल के लिए रेडी होना है। तो इसलिए मैंने रीडिंग को लास्ट में कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि सेवर्स जो ये रूटीन है इसका, मिरेकल मॉर्निंग का, ये कितना फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल ये इसलिए है कि जब 5 AM क्लब जो है बिल्कुल टाइट शेड्यूल प्रोग्राम है, जबकि सेवर्स में ऐसा है कि आप अपने लाइफस्टाइल और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा सही भी है कि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबकी लाइफ की नीड्स अलग होती हैं, बट रूटीन फॉलो करना सबके लिए मस्ट है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आज ही मैंने, क्योंकि आज संडे है, तो आज जो है संडे की वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम है रीडिंग के लिए। तो जर्नलिंग में एक लिमिट है कि कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आपको जो भी बनाना है या जो भी चीज़ें उसमें लिखनी है, जॉट डाउन करना है, वो एक लिमिट के बाद, 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रीडिंग की कोई लिमिट नहीं है, हम चाहें तो इसे आज पूरी बुक कंप्लीट कर दें। तो इसलिए इसको लास्ट में कर दिया। और बात करें कि पूरी जो रूटीन है मैंने क्यों चेंज की हुई है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्यों फ्लेक्सिबल होने से मेरे लिए थोड़ा सा इजी है, क्योंकि सबसे पहले साइलेंस है, यानी मेडिटेशन सबसे पहले है। बट हम लोग में क्या होता है कि मतलब हिंदूज़ में कि मेडिटेशन जो है वो एक तरीके से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक प्रोसेस है, हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान जब है, हम लोग का ये रहता है कि भाई हम बाथ के बाद, यानी नहाने के बाद हम ध्यान लगाएंगे तो हमारी बॉडी प्लस सोल दोनों प्योर रहेंगे। मतलब अगर हम बिना नहाए ऐसा करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बॉडी कहीं ना कहीं हमारी प्योर अभी नहीं हुई है, अभी फ्रेश नहीं हुई है। तो इसलिए बाथ के बाद जो है मेडिटेशन होना चाहिए। तो इसलिए जो साइलेंस वाला टाइम है वो मैंने वो बाद में किया हुआ है। तो सब फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, यानी विजुलाइजेशन के बाद जो एक्सरसाइज है, वो मैंने सबसे पहले की हुई है। मीन्स हम उठे और उठने के बाद ब्रश किया, पानी पिया, और उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने बात कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि मेरा अभी ई कंप्लीट हुआ। सिर्फ सबसे पहले मेरा ई ही कंप्लीट हुआ। और बात के बाद मैं जब अपनी टेबल पे बैठी, तभी मैंने ए भी अपना कंप्लीट कर लिया, वी भी कंप्लीट कर लिया, यानी एफर्मेशन कंप्लीट कर लिया, विजुअलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने अपनी जर्नलिंग कंप्लीट कर ली, फिर मैंने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली। यानी सिर्फ ई को चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह रहीं और सब तुरंत की तुरंत होती चली गई। बट एक्सरसाइज 20 मिनट्स की मस्ट है, तो एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट की, और नहाने के बाद जो है मेडिटेशन किया, क्योंकि नहाने के बाद जो है सोल और बॉडी दोनों प्योर हो गई, फ्रेश हो गई। और तब जब मेडिटेशन किया तो फील गुड एक होता है, एक खुद को अच्छा लगता है कि हाँ हम अपने जो रिलीजन है उसके हिसाब से भी चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको किया। तो अब मैं जा रही हूँ रीडिंग करने,
और आप देखिए कि इस टाइम मेरा वीडियो भी शूट हो गया है। तो एक काम और जो मैंने अपने प्लानर में, अपने जर्नल में लिख के रखा था कि मुझे वीडियो शूट करना है, तो अब वो भी लगभग कंप्लीट है। तो अब मैं जा रही हूँ रीडिंग करने, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो डे 3 भी आज कंप्लीट है और देखते हैं डे 4 क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक था फ्लेक्सिबिलिटी था, फ्लेक्सिबिलिटी पे था। कल किसी और मिराकल मॉर्निंग के टॉपिक के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और देखते हैं डे 4 कंप्लीट होता है कि नहीं। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।